जांगड़ा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज एक फिलहाल आप कह रहे हैं हिसार सिविल जो हॉस्पिटल है, लगातार तुम देखने लग रहे हो खबर जो 12 दिन हो गया है बैठे ने, जो रीता जी जो यहाँ पे बैठी हुई है, मामला तुमने देख लिया एक बार कैमरा में दिखाई जो सुरक्षा मामला है भाई का, जो जिसने लव मैरिज करी थी आईजी साहब से मिले, परिषद से ही मिले, उसके बाद क्या बातचीत हुई, किस प्रकार से हुई, क्या सुनवाई हो रही है, सारी बातें तो बताओ कि जैसे आप आईजी साहब से मिले थे तो बोले जा रहा बता रही थी उस टाइम पर, ठीक है, उसका बाद उन्होंने आश्वासन भी दिलाया, फिर उसका बाद यहाँ पर बैठने का कारण क्या है, अगर सुनवाई हो पाई या नहीं हो पाई? देखिए मैं आपको बता दूँ, एसआईटी के जो अध्यक्ष है कोई सुनवाई नहीं कर रहे हमारे साथ। कल भी ऐसा किया कि हमें सुबह बुला लिया, हम सारा दिन वहाँ बैठे रहे, जब भी कोई आ जाता है फाइलें साइन करने लगे और करने, हमको कह रहे हैं कि 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट के बाद फिर 1 घंटा फिर हो जाता सर, फिर कहते हैं हाँ जस्ट सुनता हूँ मैं आप लोगों को, फिर कह देते बीच में खूब फोन आ गया अटेंड करने लगे। देखो एक अधिकारी की ये मनसा नहीं होनी चाहिए, पीड़ित परिवार बैठा है और आप इनको ऐसे प्रताड़ित कर रहे हो। परसों भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ, तो फिर कल परिवार में एक कहते हो परसों मैं और सुमित के पिताजी भूपत जी प्रदीप जी हमें इनके पास गए, हम कुलदीप जी के पास गए थे, फोन करके उन्होंने बुलाया था, कल भी हमें बुलाया था, बुला लेते हैं तो उनके पास मिलने का टाइम नहीं होता। कल हम गए तो यहाँ परिवार में डेथ हो गई थी सुमित के जो परिवार में, वहाँ पे चले गए कुछ लोग, बाद में हम सर को टाइम देखते रहे 2-2.5 घंटे हम बैठे रहे, फिर हमने कहा कि सर हम बाद में आ जाएं, क्योंकि आपको आप समझ सकते हैं जिस परिवार में एक डेथ पहले हुई पड़ी है और एक और हो जाए वो परिवार किस दौर से गुजरेगा। अब हुई थी जी अपने जो नरेश जी हैं सुमित के पिताजी हैं उनके, हाँ वो बीमार थे। बात तो सर हम शाम को गए, शाम को जाते ही पहले तो वो बोले और कोई पार्टी बैठी है, और कोई पार्टी बैठी है, जैसे ही हमें हो गया होगा आधा घंटा लगभग, उन्होंने कहा कि कुलदीप जी तो मीटिंग में चले गए। तो सर आपको अब समझ सकते हो कि परिवार में क्या बीती होगी, जो अपने भाई है नरेश वो भी काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर हुआ है, कोई बड़ी परेशानी हो रही है, डेड बॉडी लिए बैठा है, पिताजी इतना संघर्ष कर रहा है, मगर प्रशासन को बिल्कुल भी शर्म लाज नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए। प्रशासन तो कुमकर्णी नींद सोया पड़ा है, और अभी भी मैं आपको बता दूं इतने सबूत दिए जाने के बाद भी कुलदीप जी कह रहे हैं कि मुझे और शख्स चाहिए। मतलब अब उनको तो हाँ ये चाहिए ना कि सुमित खुद उठ के आए, सुमित बोले कि मैंने ऐसे किया है, मेरे साथ ऐसा हुआ, उस चीज़ को मानेंगे जी, वो सबूत नहीं मान रहे, सुमित खुद आए, अब बताइए सुमित कहाँ से आए। जो सबूत में जो साक्ष्य में आपने क्या क्या दिया? साक्ष्य में हमने चैट दे दी, जो मकान मालिक है उनकी गवाही होगी, और जो उसके साथ थे जिससे मकान मालिक ने सारी गवाही दे दी, मकान मालिक ने बता दिया, प्रताड़ित करते थे भाई, सुसाइड करने तक को मजबूर करती थी, लड़के ने बोतल तक मार ली थी, एक बार लड़की ने उसके उसको बोतल मार ली, सब बातें मतलब मकान मालिक ने जो सच्चाई सब बता दी, उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। वो अभी भी कह रहे हैं कि वेट करो, आज 12वां दिन हो गया जी, बताओ कितना वेट करें। अगर इसकी जगह मैं कड़वी बात बोलूँगी, अगर कुलदीप जी चाहें तो मेरे ऊपर केस कर सकते हैं, मुझे कोई अधिकार नहीं है। अगर इसकी जगह उनका बेटा होता यहाँ, क्या वो बैठ पाते क्या? उनको सोचना चाहिए। ऐसे ही एक अपने आए थे पीछे DSP कप्तान, उनको भी ऐसा ही बोला था कि सर आपकी किसी कर्मचारी का या आपका कोई यहाँ होता तो आप बैठ पाते क्या? वो उसने तहस में आगे थे, मेरा बेटा क्यों मरेगा, मेरा बेटा क्यों मरेगा? अरे अच्छा तो किसके साथ नहीं हो सकता, किसके साथ नहीं होता, हमें यकीन था कि हमारा बेटा मर गया। सर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रखे हैं, बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर रखे हैं। परसों मकान मालिक के बयान हुए हैं, और कल एक और था उनके साथ में, उनसे वहीं से उसके भी बयान हुए हैं, उसने भी यही कहा है कि
लड़की भाई ये लड़की ऐसे ऐसे उसको प्रताड़ित करती थी, खाना तक नहीं बना के देती थी, कपड़े तक नहीं खुद करता था, घर का काम भी खुद ही करता था। और यहाँ तक तो हम समझ नहीं पाए, हमने सोचा कि भी बच्चा है, हो सकता है घर में कुछ किया नहीं है, हो सकता है तो ऐसा हो। हमारे को भी कहता था कि बुआ ये मुझे मरवा देगी, अपनी माँ को भी बोला है उसने कि मम्मी ये मेरे को मरवा देगी। यही तो सर है, उसने ऐसा कोई मतलब ये था कि बच्चे से कोई गलती हुई, पता नहीं क्या हुआ, हम नहीं जान सकते क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है कि ऐसा क्या हुआ कि बच्चा इतना डरा हुआ। इतना होने के बावजूद भी उसके साथ रह रहा सर, यही तो नहीं समझ पा रहा। अगर वो मैं कह देता हमने लड़ाई झगड़े में से किसी का झगड़ा हो रहा है दो लोगों के बीच में, बोल देता भाई ये सोचते हैं कह दिया होगा लड़ाई झगड़े में, कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े में तो कुछ ही बोल देते हैं गुस्से में। हमें ये नहीं था कि वो हकीकत कह रहे हैं, मगर अब लग रहा है कि लड़का सच कह रहा है। जी जी, और राजनीतिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा राजनीतिक प्रेशर है। लड़की की फैमिली हो, लड़की का कुछ हो, दुष्यंत चौटाला का प्रेशर है, सब तक हमारे स्तर बता रहे हैं दुष्यंत चौटाला का बहुत ज्यादा प्रेशर है। बस यही है कि कार्रवाई नहीं करनी। नहीं तो एक बात बताइए, आप सबको पता है, आप अगर खुद फाइल देख सकते हैं, आप लोग जाइए, आप लोग सवाल करिए, आप लोग पूछिए क्या क्या सबूत आपको मिले हैं। अलग की जो उनकी जो हमने देखा है कि एक मकान मालिक की गवाही बोलना है, तो खुद का चैट बोलना है, वो हमने सारी गवाही हमारे पक्ष में है। सब ने यही कहा है कि लड़के में कोई कसूरदार नहीं था, लड़की में सारा कसूरदार, फिर भी वो ये कह रहे हैं कि लड़की में। तो अब बात करें कि आज का जो आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, आप जी आज सीएम साहब आ रहे हैं और हम लोगों ने ऐलान कर रखा है कि हम सीएम को यूनिवर्सिटी तक में नहीं पढ़ेंगे, काले झंडों का स्वागत करेंगे, वहीं पे करेंगे, मगर आगे नहीं जाने देंगे। लास्ट में क्या कहना चाहूँगी, मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि देखो पहले तो मैं समाज से ही थोड़ी शुरू करना चाहूँगी कि हमारे समाज में लगातार ही हादसे हो रहे हैं, कभी कोई मर जाता है, कभी किसी को मार दिया जाता है, पुलिस प्रशासन कोई रिक्स नहीं ले रहा। मैं तो समाज से भी यही कहना चाहूँगी जितना उसके धरने पर समर्थन देने आए, परिवार के पास पहुँचें ताकि इस बच्चे को इंसाफ मिल सके, और प्रशासन से यही है कि इतना सबूत होने के बाद भी अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते ना तो आप घर बैठ जाओ।